लेकिन इस साल पता नहीं क्यों ये पुलिस वाले लोग पंगा कर रहे, जाने के लिए नहीं दे रहे। Ladies and gentlemen, boys and girls, तो अभी जो एंट्रो किया था वो काजू ने किया था। मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे बोलो, तो उसने एंट्रो किया, तो मैंने एडिटिंग करके उसको बना दिया एक अच्छा सा एंट्रो। तो उसने यही बोला जो मैं बोलता हूँ। हेलो नमस्ते, राउंड जेरा बंदो, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो जॉगी रजा। तो गाइस स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और आज ना आज है दशहरा, और आज के दिन होता है माता जी का विसर्जन, और आज के दिन जलता है रावण। तो रावण दशहरे के दिन क्यों जलता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज है अश्विनी शुक्ल दशमी, तो आज के दिन ना रावण इसीलिए जलाता है, यानी कि आज है दशहरा। दशहरा और दशहरे के दिन ही रावण का वध हुआ था, अश्विनी शुक्ल दशमी के दिन उसका वध हुआ था। राम जी ने उसका वध किया था, जो कि वो सीता जी का हरण करके लेके गया था, इस वजह से उसका वध हुआ था, मारा गया था। तो इसीलिए दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। सो आज वो जलाएंगे। मैं वैसे रावण के वहाँ जहाँ पे वो होता है वो जा नहीं पाऊँगा, बिकॉज हम लोग जाएंगे विसर्जन में, तो विसर्जन में सारा टाइम रहूँगा, इसलिए वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा, वो दिखा नहीं पाऊँगा। केवल विसर्जन में अपन लोग रहेंगे, पूरा एंजॉय वहीं पर होगा। तो अभी का यही सीन है, अभी चलते हैं फटाक से विसर्जन में होके आते हैं, और आपको जो धमाल होएगा वो दिखाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे व्लॉग तो कर नहीं पाऊँगा, बस जो डांस वगैरह जो अपना रहेगा वही इतना ही दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह डीजे बजेगा, तो मैं इतना दिखा नहीं सकता। तो बस बने रहो, देखते रहो और अपना प्यार दिखाते रहो। बहुत ज़्यादा तेज़ से प्यास, गला सूख गया था, और जो अभी रहे वो नाक में और मुंह में, गले में सब घुस गया है। तो मैंने पानी पिया, अभी सारे दिन यहाँ पर रुक के पानी पी रहे हैं। फुल तो धमाल, बहुत डांस कर रहे सब, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है। रामलीला का टाइम चल रहा है, तो रावण का जो रावण जला जाता है इसके लिए पुलिस वाले आगे जाने देते हैं। और हर साल यहाँ पे रावण ऐसे ही जलता रहता है, और जब भी हम लोग लेट से जाते हैं, हर साल लेट से जाते हैं, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों ये पुलिस वाले लोग पंगा कर रहे, जाने के लिए नहीं दे रहे। अगर कुछ भी होगा तो अपन लोग को देखना पड़ेगा, तो वो अपन लोग ही हर साल देखते हैं। और अगर पुलिस लोग हैं तो सिक्योरिटी क्यों नहीं हम लोग को दे रहे हैं, ऑब्वियसली देना चाहिए इनको। तो अभी इसके लिए यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, और सर हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम सर की वीडियो बना रहे हैं। जय माता दी। देखते हैं क्या होता है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, जिस रास्ते जाने देंगे उससे अपन जाएंगे, कोई पंगा नहीं करना अपन को, प्यार से मोहब्बत से जाना है। कुछ लोग बात कर रहे थे उधर, चल रहा है बात। तो आज पहली बार नहीं है, हर साल ऐसे होता है, और हर साल लेट से ही मूर्ति जाती है जितनी भी है, और रावण हर साल जलता है, और वो बीच में पड़ता है रावण, जिधर से अपन जाते हैं विसर्जन के लिए। तो वो लोग देखते हैं अपना किनारे रखे, सड़क के किनारे होता है रावण, लेकिन हमारी जो ट्राली है ना वो हर साल उधर ही से जाती है। लेकिन इस साल ये पता नहीं क्यों ये लोग पंगा कर रहे हैं, शायद जाने की परमिशन दे दी है। अगर सिक्योरिटी है, पुलिस है, तो इन लोगों को साथ में चलना चाहिए, फिर पंगा क्यों होगा, हम लोग पंगा क्यों करेंगे जो हर साल हम लोग जाते हैं। तो पता नहीं क्या सीन है इन लोग का अलग ही।
कुछ नए नए पुलिस वाले यहाँ भैया आ गया, आ गया। जय माता दी। सो वहाँ पे बात चल रहा है उस जगह पे, कन्विंस कर रहे हैं लेकिन जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। वैसे पहली बार मैं इतना बड़ा हो गया, पहली बार रोक रहे हैं जाने के लिए, मैं तो कभी ऐसा हुआ नहीं। परमिशन मिल गई, ये अच्छी बात है। एक परमिशन है कि डीजे नहीं बजाना है। ये सब ना डालते भैया, ये सब पड़ेगा नॉट डे। बाय बाय जय जय, बाय बाय जय जय। तो यहाँ से अपनी मूर्ति चली जाएगी अयोध्या का विसर्जन होने के। लास्ट डांस यहाँ पे बचा है, चौराहे पे लोग नाच रहे हैं। मेरा अभी 50-50 जाने का मन है, जाने का नहीं भी मन है, बिकॉज वहाँ जाके इसके बाद कोई मतलब नहीं है, सीधा विसर्जन करके वापस आना और बहुत ज़्यादा भीड़ रहे। हो सकता है मैं अभी कि मैं वापस घर चला जाऊँ, वापस से कुछ लोग आ रहे हैं जो विसर्जन कर चुके हैं, देखते हैं घर चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और वापस अगर जाऊँगा मैं तो आते टाइम मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। Ladies and gentlemen, boys and girls, तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया रहेगा, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और हाँ, मैं अयोध्या नहीं गया बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं थक गया था और एक्सरसाइज करने से मेरा पैर जो है वो थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मैं अभी ना एकदम कंटिन्यू कर रहा हूँ जिम और रनिंग, ये दो चीज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा पैर दर्द हो रहा था। उस दिन में मैं रनिंग करके ही आया था, विसर्जन में गया था, थोड़ा पैर दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं कटी से ही वापस आ गया, अयोध्या नहीं गया विसर्जन करने, नहीं तो वहाँ पर जाता तो और बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाता वहाँ पर, तो इसके लिए मैं वहाँ नहीं गया। तो आशा करता हूँ जो भी आप लोगों ने देखा होगा इन्जॉय किया होगा, मेरे सारे दोस्तों ने फुल डांस किया, फुल धमाल किया। तो बस इतना रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने मंगवाया था ऑर्डर, वो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं अभी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्या आया है। सो ये मेरे GoPro का कुछ एक्सेसरीज है जो मैंने ऑर्डर किया था। इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज है, मैंने इसको पहले ओपन कर रखा है, ये इसके अंदर बहुत सारा एक्सेसरीज है, एक एक करके तो नहीं दिखा सकता, बस ऐसे ही एक बारी फुल टू अनबॉक्सिंग। ये जो मैं कार में हमेशा टाइम लैप जो बनाता हूँ उसके लिए मुझे बहुत नीड रहती है, तो ये कार में लग जाएगा शीशे में। और ये ऐसा ही है थोड़ा सा, इसके अंदर ना एयर रहता है, तो कभी पानी वानी में अपन जाएंगे ब्लॉक करेंगे तो अगर कैमरा छूट के गिर भी जाता है तो डूबेगा नहीं, इसके लिए है। और ये कहीं अपन लोखंड पे इसको चिपका सकते हैं। बहुत सारा माउंट है, ये चेस्ट पे बांधने वाला है, सर पे बांधने वाला, हाथ में बांधने, इतना सारा है। तो चलिए बस ये फटाफट अनबॉक्सिंग थी, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं था तो मैंने बस ऐसे दिखा दिया, बाकी से बढ़िया है इसलिए मैं इसको मांगा, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ शॉर्ट्स हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी रहता है इसे लेने के लिए, तो मैंने इसके लिए इसको ऑर्डर किया, मंगवाया, अमेजोन पर मिल जाएगा। आप GoPro एक्सेसरीज डालेंगे तो ये पूरा पैकेज में आता है, करीब माउंट वगैरह होते हैं, 15-20 माउंट्स वगैरह होते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, साथ रहो, बाकी सब बढ़िया होगा, शब खैर, गुड नाइट। और हाँ, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाके फटाफट फॉलो करो, बाकी सब बढ़िया, बाबा टेक केयर, शब खैर, बाय।